दौरे पर हैं, जहां इटली के रोम में उनके दौरे का आज दूसरा दिन रहा। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी इटली की राजधानी रोम में हुए G20 समिट में शामिल हुए। समिट की शुरुआत में हुए सेशन में पीएम मोदी और इटली के पीएम मारियो द्रागी ने एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 के सभी नेताओं ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ फोटो खिंचवाई। रोम में पीएम मोदी पोप फ्रांसिस से भी मिले। पीएम मोदी के दूसरे दिन की पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन के यूरोप दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन शनिवार को उन्होंने इटली की राजधानी रोम में हो रही G20 समिट में भाग लिया। समिट की शुरुआत में हुए सेशन में पीएम मोदी और इटली के पीएम मारियो द्रागी ने एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमति जताई। G20 के सभी नेताओं ने फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ फोटो खिंचाई। इसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी और हेल्थ पर सेशन हुआ। इटली के पीएम द्रागी ने कहा कि हमें दुनिया के गरीब देशों तक टीके पहुंचाने की कोशिशों को दोगुना करना होगा। उन्होंने कहा कि अमीर देशों में 70% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि गरीब देशों में सिर्फ 3% आबादी का ही टीकाकरण हुआ है। ये अनैतिक है। मीटिंग में ईरान न्यूक्लियर डील पर भी चर्चा हुई। G20 देशों के नेताओं ने बैठक में तय किया कि ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के अलावा कई ग्लोबल लीडर मौजूद थे। इससे पहले पीएम मोदी ने वेटिकन सिटी पहुंचकर कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मुलाकात की। पोप फ्रांसिस से मोदी की यह पहली मुलाकात थी। हालांकि यह मुलाकात प्रधानमंत्री के ऑफिशियल शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। पोप ने कोरोना संक्रमण के दौरान दूसरे देशों की मदद करने पर भारत की तारीफ की। दोनों के बीच कोविड-19 महामारी के बाद लोगों के सामने आई परेशानी पर बात हुई। मोदी ने जलवायु परिवर्तन के मसले पर भारत द्वारा लिए गए प्रयासों के बारे में भी बताया। उन्होंने पोप को बताया कि किस देश के नागरिकों को 1 बिलियन वैक्सीन डोज लगाए गए। प्रधानमंत्री ने पोप को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी और पोप के बीच 1 घंटे तक मुलाकात चली, जबकि मीटिंग का समय 20 मिनट ही तय किया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो से मोदी की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दोनों के बीच पिछले महीने ऑकस के मसले पर भी बातचीत हुई थी, हालांकि तब ये बातचीत फोन पर हुई थी। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबमरीन डील को लेकर काफी तनातनी हुई थी और इसका असर सीधे तौर पर कहीं न कहीं ऑकस पर होता नजर आ रहा था। हालांकि फिलहाल जो बाइडेन और मैक्रो की बातचीत हो चुकी है और मामला ठंडा होता नजर आ रहा है। बता दें, G20 की ये मीटिंग वास्तव में पिछले साल यानी 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टालना पड़ा। अब यह इटली के रोम में हुई। प्रधानमंत्री 31 अक्टूबर दोपहर तक रोम में रहेंगे। इसके बाद ग्लासगो रवाना हो जाएंगे। गौरतलब है कि इटली की राजधानी रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहले दिन स्थानीय लोगों ने कुछ इस तरह स्वागत किया कि मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। यहां एक महिला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोदी के सामने शिव तांडव स्त्रोतम गाकर उनका स्वागत किया। जताकताह संभ्रम भ्रमन्नि लिम्प निर्जरी विलोल वेचि वल्लरी विराजमान मुर्दरी दगद्द गद्द गज्वलल्ललात पत्त पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् मम नरनरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद् दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाक दक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचिन्ति गम्भरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरदनामि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वदो मुखे मदंत सिंधुर स्फुरात्व गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी ओम नमः शिवाय। इस दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़े उन्हें ध्यान से सुनते रहे। बड़ी संख्या में यहां भारतीय समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान संस्कृत श्लोक और मोदी मोदी के नारों की गूंज रोम की सड़कों पर सुनाई दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।